बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की दीवानगी आपको दुनिया भर में देखने को मिल जाएगी। 53 साल की उम्र में भी सलमान काफी एक्टिव है और इसी के चलते उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करती हैं। पिछले दिनों रिलीज हुई उनकी फिल्म भारत ने एक बार फिर से सफलता के झंडे गाड़ दिए और इसी सक्सेस के चलते सलमान के चाहने वालों की संख्या और बढ़ गई। आज हर कोई सलमान खान की तरह कामयाब होने की कोशिश करता है, लेकिन सलमान खान की तरह बनना काफ़ी मुश्किल है। उसके बावजूद भी इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो हूबहू सलमान खान की तरह नजर आते हैं और सलमान खान के हमशक्ल कहे जाते हैं। आज हम आपको सलमान खान के उन्हीं हमशक्ल से मिलवाने वाले हैं जिन्हें देखकर आपको भी यकीन नहीं होगा। अगर आप भी सलमान खान के हमशक्ल से मिलना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के एंड तक बने रहना और साथ ही सलमान खान की शानदार अभिनय के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। नंबर एक, परवेज काजी। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है परवेज काजी का। परवेज एक जाने माने मॉडल है और कई विज्ञापनों में नजर आ चुके हैं। परवेज की शक्ल सलमान खान से बहुत मिलती है, इनकी बॉडी भी काफी हद तक सलमान खान से मेल खाती है। यही वजह है कि परवेज अक्सर सलमान की फिल्मों में नजर आते हैं और फिल्मों में सलमान के कई स्टंट को वो ही किया करते हैं। लोग अक्सर परवेज को सलमान ही समझ बैठते हैं। नंबर दो, नजीम खान। सलमान खान की तरह दिखने वाले नजीम खान अफगानिस्तान के रहने वाले हैं। नजीम का चेहरा भी सलमान खान से काफी मिलता जुलता है। सलमान जैसा लुक पाने के लिए नजीम खान ने 6 साल की उम्र में जिमिंग करना शुरू कर दी। नजीम ने सलमान के साथ बजरंगी भाईजान और प्रेम रतन धनपायो में काम भी किया है। नंबर तीन, हसनैन सलीम। ऐसा नहीं है कि सलमान के हमशक्ल सिर्फ भारत में ही है, बल्कि सलमान खान का एक हमशक्ल पाकिस्तान में भी मौजूद है। पाकिस्तान के रहने वाले हसनैन सलीम की शक्ल भी सलमान की जैसी दिखती है। सियालकोट की सड़कों पर जब हसनैन सलीम निकलते हैं तो ट्रैफिक जाम हो जाता है। लोग उन्हें देखने के लिए गाड़ियां रोककर खड़े हो जाते हैं। और आज पाकिस्तान में हसनैन सलीम की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और अक्सर लोग हसनैन खान को सलमान खान समझने की गलती कर बैठते हैं। तो दोस्तों, इनमें से किस व्यक्ति की शक्ल आपको ज़्यादा सलमान की तरह लगी, आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताइए। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी और भी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए।